हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और एकदम अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है बच्चे, 1 मार्च से जो है कक्षा 12वीं की जो वार्षिक परीक्षा है वो स्टार्ट होने वाली। तो मेरे को ये बोलने की नीड नहीं है प्यारे बच्चों कि आपके पास कितना समय बचा हुआ है, कितना वक्त बचा हुआ है एग्जाम्स के लिए। तो आपको बच्चे इसी कम समय के अंदर सारी की सारी चीजें करनी होगी। तो उसी कम समय बेटा इफेक्टिवली आपको तैयारी कराने के लिए टीम अभी से बच्चे एग्जाम सीरीज लेके आई, एक मिशन लेके आई है बेटा, जिसका नाम दिया है मिशन 2023। 2023 के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो इस मिशन में जो है भागीदार बन सकते हैं। बच्चे आप लोग समझिए, ये जो मिशन 2023 है बच्चे एग्जाम सीरीज, वहां पे आप लोग को एकदम बेस्ट कंटेंट देने के लिए हम लोग तैयार है। आपको सिर्फ बच्चे आपको सपोर्ट करने की नीड है बच्चे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है। उसके लिए बच्चे यहां पे जो पूरी की पूरी जो टीम अभिप्सा है, जो ऑफलाइन की बेस्ट फैकल्टी है बच्चे, ठीक है, ऑफलाइन की जो बेस्ट फैकल्टी वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में पहली बार आपके बच्चे आपके लिए जो है यूट्यूब में पहली बार सारे कंटेंट जो है डिलीवर करने वाले। तो आपको क्या, आपको जो बच्चे सिर्फ दो ही काम करने हैं। पहला काम बच्चे आपको जो एकदम तन मन लगा के बच्चे आपको पढ़ाई करना होगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना होगा, हार्डवर्क करना होगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी काम बच्चे वो है आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेंबर्स तक, अपने जो बच्चे क्लासमेट तक, ठीक है, क्या करना है, फैला के रखना, फैला देना बेटा, शेयर कर देना है, ठीक है, जिससे हमको जो बच्चे क्या करना सपोर्ट मिल पाए। तो आपको सिर्फ ये दो ही काम करने बच्चे और कुछ नहीं करना है, ठीक है बच्चे। तो अब आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे हम लोग यहाँ पे बच्चे क्या कहते हैं, जो केमिस्ट्री था कक्षा 12वीं का वो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो पहला चैप्टर बच्चे, पहला चैप्टर अपन लोग स्टार्ट किए हुए थे। इस चैप्टर के अंदर ठोस अवस्था अपन लोग कर रहे थे बेटा, ठीक है, क्या कर रहे थे, ठोस अवस्था कर रहे थे। उस ठोस अवस्था में पहला लेक्चर अपन पढ़े हुए थे, जहां पे हम लोगों ने अपने जो बेसिक्स जो है कवर किए हुए थे, सारे के सारे जो बेसिक्स थे, फंडामेंटल्स है ठोस अवस्था के, वो जो लास्ट वाले लेक्चर के अंदर सही तरीके से एकदम कवर कर चुके थे बच्चे। अब जो है हम जो सेकंड जो है लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। उस लेक्चर में बेटा आप लोगों को याद आ रहा होगा, हम लोगों ने एससीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर और एफसीसी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा हुआ। ये तीन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन स्ट्रक्चर बच्चे आपको 4 नंबर देने की शक्ति रखते हैं। तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत पड़ेगी। याद रखिएगा बच्चे, ये 4 नंबर दे सकते हैं, ठीक है। मैं जो तीन जो स्टार्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर बताया हुआ है आपको याद भी होगा, वो चार तीन जो है टॉपिक कौन कौन से होंगे, सारे बच्चों को क्लियर है। अब देखो जो एससीसी, बीसीसी और एफसीसी स्ट्रक्चर है, ये हम लोग लास्ट वाले लेक्चर में बहुत ही गजब तरीके से इसको फोड़ चुके थे, खत्म कर चुके थे बच्चे। इसको मैं वापस से जो है 2 मिनट के रिवाइज कर लेता हूं, क्योंकि 2 रिवीजन भैया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिवीजन किसको है, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब समझ आएगा। तो ये हमारे जो स्ट्रक्चर था, जहां पे कोने पे, सारे कोने पे जो हमारे अवयवी कण मौजूद हुआ करते थे, उसको अपन बोलते थे एससीसी स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है, एससीसी स्ट्रक्चर बोला करते थे। और जिसके सेंटर पे, काय पे, बॉडी पे, ठीक है, एक और अवयवी कण आता था, उसी को बोलते थे बच्चे हम लोग बीसीसी, बॉडी, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। सारे बच्चों को क्लियर है, ठीक है, सारे बच्चों को क्लियर हुआ होगा। अब देखो यहां पे जो है, जो हमारा एफसीसी स्ट्रक्चर था, ये हमारा जो है बेटा एफसीसी, सारे जो है फलक में, घन के फलक में जो है, फलक में रहेगा और सेंटर पे रहेगा जो कण, अवयवी कण, तो उसी को बोलेंगे बेटा एफसीसी स्ट्रक्चर। ध्यान बच्चों को क्लियर होगा। अब देखो इस एफसीसी स्ट्रक्चर के अंदर कितने अवयवी कण मौजूद है, ये मैंने बताया हुआ था लास्ट लेक्चर के अंदर, सारे बच्चों को क्लियर हुआ। तो सारे बच्चों भैया कमेंट सेक्शन में मेरे को एक बार जो है वापस से जो है बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर हम लोग ये किया है कि नहीं किया है। तो ध्यान से समझना बच्चे, इसके अंदर मैंने बताया था कि टोटल 14 जो है कण मौजूद होंगे, 8 जो है उसके कोने में मौजूद होंगे और 6 बच्चे उसके फलक पे मौजूद होते हैं। इस प्रकार से टोटल 14 कण बच्चे एफसीसी स्ट्रक्चर के अंदर आ रहे होते हैं। और जो बीसीसी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो बीसीसी स्ट्रक्चर में टोटल ओवरऑल 8 जो है कोने में मौजूद होते हैं और 1 जो है घन के सेंटर में होता है। इस प्रकार से बच्चे हमको जो है बीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर 9 जो है कण मिल रहे होते हैं, ठीक है, कणों की संख्या कितनी हो जाती है यहां पे, 9 हो जाती है। और एससीसी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो एससीसी स्ट्रक्चर का बहुत ही सिंपल बेटा, 8 कण जो है उसके 8 कोणों पर मौजूद होते हैं। इस प्रकार से यहां पे 8, बीसीसी के अंदर 9, अब यह एफसीसी के अंदर 14 जो है कण मौजूद होते हैं। सारे बच्चों कितना क्लियर होगा, मजा आया होगा। अब देखो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट जो है बच्चे आपके जो है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो है बच्चे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को बच्चे क्या थोड़ा सा शांत होना है, अभी ये टॉपिक को समझने से पहले आपको थोड़ा शांत हो जाना है, ठीक है, क्योंकि इसको समझते हैं यहां पे बच्चे जो क्या करते हैं, हड़बड़ी कर देते हैं और यहां पे गड़बड़ी हो जाती है बच्चे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा काम होना है और शांति समझनी है। अब देखो यहां पे अपन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लेवल पे इंपॉर्टेंट है, उसको अपन बात करेंगे, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसे अपन बोलते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा, हम इसको ऐवे ही नहीं पढ़ रहे भैया कुछ भी, मैंने आपको बोला हुआ कि टीम अभिषेक की पूरी टीम आपका बिल्कुल भी जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करेगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस यहां पे डील कर रहे होंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट डील कर रहे होंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आपके बोर्ड के एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट होंगे और भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस प्रकार से अपन बात करेंगे बच्चे, समन्वय संख्या जिसे बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये जो है 2015 में, 2017 में बेटा,
ठीक है, ये जो है पूछा गया है छत्तीसगढ़ बोर्ड में, ये जो समन्वय संख्या है, जो डेफिनेशन है बच्चा इसका, जो है 2015 और 2017 में पूछा गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी अपने लिए पढ़ना, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा इसका, अगर मैं इसके डेफिनेशन की अगर मैं बात कर दूं, डेफिनेशन की बात कर दूं, ध्यान समझिएगा, किसी भी क्रिस्टल जालक में किसी अवयविक कण के निकटवर्ती कणों की बच्ची क्या होती, संख्या, उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। किसी भी बच्चों को समझ नहीं आया होगा, डेफिनेटली समझ नहीं आएगा, उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है, हम उम्मीद कर रहा हूं कि समझ नहीं आएगा। तो उसी उम्मीद को पुख्ता करने के लिए यहां पे मैं जो है एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल लूंगा, सारे चीजों क्लियर हो जाएगी, मजा आएगा आपको ध्यान से। अगर देखो बच्चे, सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, अगर नहीं भी खेल रहे हो इमेजिन कर लो भैया क्या कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेलने के बाद खेलते हो, उसी टाइम पे जो बैट्समैन होता है, जो बल्लेबाज होता है, वो क्या करता है बेटा, रन दौड़ने के लिए करता है, जो नॉन स्ट्राइकर रहता है उनसे कोऑर्डिनेट करता है, क्या करता है बेटा, कोऑर्डिनेट करता है, बातचीत करता है, उसी को बोलेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन, दौड़ भाई दौड़, क्या बोलेगा, एक बैट्समैन बैट चलाया, ठीक है, बाउंड्री के पास गया, वो दूसरे को बोलेगा भाई दौड़ जल्दी दौड़ दौड़ दौड़ना यार, अगर नहीं दौड़ेगा फिर भैया सुन लो भैया मेरी मुंह से गाली, है ना, ऐसा होता है ना भैया क्रिकेट खेलते वक्त, तो भैया इसी को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं जमा तो खराब हो जाएगी स्थिति, जमा तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो उसी कोऑर्डिनेशन के बारे में यहां पे बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा सर, तो एक हम यहां पे सॉलिड की बात करेंगे, हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं, तो ठोस के बारे में बात कर रहे होंगे, तो एक ठोस मैंने लिया बच्चे यहां पे, एक घन, क्या लिया, एक घन, इस घन की अगर मैं बात करूं तो घन की एक लंबाई की अगर मैं बात कर दूं, ध्यान समझना, अगर इसकी मैं लंबाई की बात करूं बेटा, तो इसकी लंबाई मैं ऐसे मेजर कर सकता हूं, जिसका मैं नाम दे दूं ए, क्या बेटा, ए, ए फॉर एप्पल वाला ए, ठीक है, अब ए दे दिया, अगर मैं इसको लंबाई की यहां से मेजर करूं या फिर यहां से मेजर करूं तो ही मेरे को सेम मिलेगा, क्योंकि ये घन है, क्या है, घन है, तो सारे बच्चों को क्लियर है ये घन है। अब देखो कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, जो एससीसी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो एससीसी के अंदर क्या होता है बच्चे, ये यहां पे एक एक कोने पे जो एक एक अवयवी कण मौजूद होते हैं, सारे बच्चों को क्लियर, ये तो गजब तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब एक एक कोने पे जो है एससीसी स्ट्रक्चर के अंदर, एक एक कोने पे एक एक अवयवी कण मौजूद होते हैं, लेकिन ये तो स्ट्रक्चर है, डायग्राम है बच्चे, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता, क्या होता, रियल में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता। स्ट्रक्चर कैसे बनता बेटा, ये जो मौजूद तो होते हैं 8-8 कोण, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर जो हम डायग्रामेटिक बात करें तो वहां पे बेटा ये जो अवयवी कण है इस तरीके से दिख रहे होते हैं अपन को, ठीक है, ये जो दो अवयवी कण है वो एक गोले की तरह दिख रहे होते हैं, किसकी तरह, एक गोले की तरह, ठीक है। अब ये एक गोले की तरह दिख रहा है तो इसका जो दूसरा भाई भैया एक गोले की तरह दिखेगा, ठीक है, यहां पे मेरे को कितने गोले मिल गए, दो गोले मिल गए, और गोले की त्रिज्या की अगर मैं बात कर दूं तो सारे बच्चे यहां पे एकदम कॉन्फिडेंट हो गए कि किसकी त्रिज्या जो होगी क्या होगी सर, वो आर होने वाली है, क्या बेटे, गोले की त्रिज्या की मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, आर, ठीक है, आर फॉर रैबिट की मैं बात करूं तो बेटा, ठीक है, आर फॉर रैबिट, ठीक है, तो ये हम आर की बात कर देंगे। अब इसकी त्रिज्या आर हो गई तो मैं क्या बोल दूं, ए इज इक्वल टू टू आर होगा, क्या होगा, ए इज इक्वल टू टू आर होगा, सिंपल, मजा आया। अगर मैं बोल दूं ए, क्योंकि ए इसकी जो है लेंथ है, देखो ए, ए इज इक्वल टू टू आर हो रहा होगा, ठीक है बेटा, क्या होगा, ए इज इक्वल टू टू आर होगा, सारे बच्चों को मक्खन आया होगा, ठीक है, मक्खन समझ आएगा गजब तरीके से। अब देखो ए इज इक्वल टू आर हुआ तो ये जो ए है ना बेटा, इसी को बोलते हैं अपन वीमा बोलते हैं, ठीक है, वीमा, ठीक है, और इसी को अगर आपको पूछे कभी जो घन की वीमा, वीमा और त्रिज्या के बीच का संबंध, त्रिज्या के बीच का संबंध, बीच का संबंध, तो आप लोगों को बेटा यह बता देना है ए इज इक्वल टू टू आर होगा किसके लिए बच्चे, एससीसी स्ट्रक्चर के लिए सर, क्या होगा, एससीसी स्ट्रक्चर के लिए। सारे बच्चों को कंसेप्ट समझ आया होगा, धीरे धीरे मैं कंसेप्ट को लेवल अप करते जाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा करने में, ठीक है। अब देखो ए इज इक्वल टू टू आर हुआ, ये आपको याद रखना है भैया, इसको क्या करना है, याद रखना है, याद रखना है आपको, और याद रखना है इसको, ठीक है, भूलना नहीं है, ए इज इक्वल टू टू आर। अगर मैं बच्चे इसी को जो है क्यूबिक सेल की बात करूं, एक क्रिस्टल जालक की बात करूं, तो क्रिस्टल जालक कैसे बनता है, एक यूनिट सेल से, और जो है यूनिट सेल से मर्ज होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, और एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। तो अगर मैं बच्चे इस वाले जो है एक, ये जो नीचे में, इसको मैं एक जो है क्यूबिक सेल बात कर दूं, क्या बोल दूं, एक क्यूबिक सेल है, सॉरी एक जो यूनिट सेल, क्यूबिक सेल नहीं, एक यूनिट सेल है, और यह मेरा दूसरा यूनिट सेल होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा के बात करूं तो यहां पर मेरे को तीसरा यूनिट सेल मिलेगा इसका, सिंपल ना भैया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है किसी को। अब देखो ये मेरा तीसरा यूनिट सेल इस तरीके से बना, ठीक है, अब देखो ये मेरा क्या बना, तीसरा यूनिट सेल मिला, ठीक है। अब इसके ऊपर एक और तो यूनिट सेल आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो अपन क्या करेंगे जो है इसको बना लेंगे, ठीक है। अब बोल दो भैया कि सर आप जो है ना क्या कीजिए, आप जो है ड्रीम इलेवन में टीम बना लीजिए, ठीक है,
अपन काम ये कर लेगा, बोल दो भैया सब कमेंट सेक्शन में, आप सर ये कर लो, ठीक है, आप जो ड्रीम इलेवन टीम बना लो, अपन ये काम कर लेगा, ठीक है। अब देखो ये जो हमको मिला A1, 2, 3, 4 जो है हमको यूनिट सेल मिल गया। अब देखो बच्चे ध्यान समझना, ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान समझना, समन्वय संख्या के ऊपर लेके जा रहा हूं। अब बच्चे ये जो यूनिट सेल है इसके पीछे, ठीक है, अगर ये सेंटर है मेरा, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, इसको सेंटर पॉइंट को अपन कैसे कर दे रेड कलर से, ठीक है। अब देखो इस रेड कलर से मैं पॉइंट करता हूं, ये मेरा एक सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट के पीछे, इसके पीछे एक और यूनिट सेल आ सकता है, क्या होगा बच्चे, एक और यूनिट सेल आ सकता है इस तरीके से, देखो इधर, ठीक है, मजा आया, फील आया सारी बच्चों को, ठीक है, इस तरीके से इसको भी मैं थोड़ा पीछे लेके जा सकता हूं ऐसा, ठीक है। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा इसको भी पीछे लेके जाऊं, सारे बच्चों को फील आ रहा होगा, मजा आया होगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं अगर मर्ज करूं, इसको क्लियर कर दूं, मर्ज कर दूं भैया, ये देखो, ठीक है। अब इसके पीछे भी तो एक और जो है यूनिट सेल आएगा, चार सामने है, चार जो है यूनिट सेल सामने है, तो चार जो है यूनिट सेल पीछे में तो होंगे डेफिनेटली, एकदम पक्का, ठीक है, एकदम पक्का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चार इसके पीछे होंगे, कितने होंगे, चार पीछे, तो मैं बोल सकता हूं प्यारे बच्चों कि चार सामने है, तो मेरे ये पांचवा ये होगा, छठवा ये होगा, सातवा ये होगा, आठवा ये होगा, क्लियर है सारे बच्चों को, मजा आया, ठीक है, बनाने आ जाएगा। अब देखो कि भैया भैया ये इसको मैं सेंटर ले लेता हूं, ये इसको इस पॉइंट को सेंटर ले लेता हूं, तो इस जो है एक कण को सेंटर लिया, तो इस कण से कितने जो है यूनिट सेल जुड़े हुए हैं, इस एक कण से कितने यूनिट सेल जो है जुड़े हुए हैं, संपर्क में है, कॉन्टेक्ट में है, तो कितने हैं भैया, आठ होंगे, कितने, आठ होंगे, ठीक है, आठ जो है, एक अकेला जो एक कण है वो आठ जो यूनिट सेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जुड़ा हुआ है। अब ये आठ यूनिट सेल से जुड़ा होता, मैं क्या बोल सकता हूं कि एक कण का, ये जो हमारा एक कण है, ठीक है, जो एक कण है, इस कण का एक यूनिट सेल में योगदान कितना होगा, एक यूनिट सेल के अंदर योगदान कितना होगा, तो योगदान कितना होगा, एकदम सिंपल जो है बेटा मैथमेटिक्स है, 1/8 होगा, क्या होगा बच्चे, 1/8 होगा, ठीक है, 1/8 होगा, ये इसी को भैया एक कण का जो है, एक जो है प्रभावी, क्या बोल सकते हैं, कणों की संख्या जो होगी 1/8 होने वाली है, मतलब प्रभावी नहीं बोल सकते, लेकिन कणों की जो संख्या होगी, जो घूम रहा होगा, जो मौजूद होगा, संपर्क में होगा, उसी को बोलेंगे बेटा, ठीक है, 1/8 होगा इस एक कण का। उसी प्रकार मैं किसी का यहां पे भी पॉइंट मेजर कर सकता हूं, यहां पे भी, सभी में क्या होगा, 1/8 ही होगा, क्लियर है, समझ में आया, मजा आया होगा। अब देखो, ठीक है, अब अगर मैं प्रभावी कणों की संख्या की अगर मैं बात कर दूं, प्रभावी कणों की संख्या क्या होती है सर, जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, मतलब भैया सिंपल सी बात है, कोने में कितने कण है, एक घन के कोने में कितने कण होते हैं, कुंटे में कितने कण होते हैं, आठ कण होते हैं सर, कितने, आठ कण होते हैं, और इस आठ कण से कितने नंबर ऑफ जो है पार्टिकल से कण है वो योगदान दे रहे होंगे अपना, 1/8, क्या होगा बच्चा, 1/8 × 1/8 होगा, सॉरी 8 × 1/8 होगा। अगर मैं इसके यहां पे जेड की बात करूं, किसकी बच्चे, जेड की, मतलब प्रभावी जो है कणों की संख्या की बात करूं, तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, और ये जो 1 है, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है बेटा, ये जो है एससीसी स्ट्रक्चर के लिए, ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, संरचना जो है एससीसी के लिए है, ठीक है, किसके लिए, एससीसी के लिए, ये बीसीसी के लिए अलग हो जाएगा, लेकिन आप बीसीसी के लिए निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सारे बच्चों को, बीसीसी के लिए आप इजीली निकाल पाओगे, ठीक है। अब देखो यहां पे बीसीसी की भी निकल सकता है, एफसीसी का भी निकल सकता है, सारे बच्चों को क्लियर है, और निकालने का तरीका आपको आ जाएगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूं बच्चे, ध्यान समझना, जो यूनिट सेल है एससीसी के अंदर, अभी अभी अपन ने देखा हुआ है, क्या बोला, प्रभावी कणों की जो संख्या होगी वो एक होगी, जो समन्वय संख्या होगी वो कितने होंगे, 6 होंगे, वो 6 कैसे होंगे। अब देखो कि भैया यहां पे हमारा एक अवयविक कण है, ठीक है, अवयविक कण है, ध्यान समझना, ये अवयविक कण है, ये सामने वाले अवयविक कण से भी कांटेक्ट में है, इससे भी कांटेक्ट में है, इसके ऊपर वाले से भी कांटेक्ट में है, यहां से भी कांटेक्ट में है, इसके पीछे भी जो कण होंगे उससे भी कांटेक्ट में होगा, इसके सामने भी होगा, इससे कांटेक्ट में होगा, मतलब टोटल ओवरऑल मैं बात करूं तो ये जो एक अवयविक कण है ना बच्चे, उस 6 लोगों से कांटेक्ट में है, 6 अवयवी कणों से कांटेक्ट में है, समझ आई सारे बच्चों को, तो इसलिए मैं बोलूंगा इसकी समन्वय संख्या 6 होगी। उसी प्रकार बच्चे जब बीसीसी की बात करोगे आप, ठीक है, तो वहां पे 8 होगी समन्वय संख्या, और बच्चे एफसीसी की बात करूं तो वहां पे 12 जो है समन्वय संख्या होगी, सारे बच्चों को क्लियर है, मजा आया। अब अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी बच्चे, ध्यान समझना, 8 × 1/8 और +1 मैं इसीलिए लिया हूं बच्चे, क्योंकि बॉडी एक काय होता है घन, तो उसके सेंटर में एक कण मौजूद होता है, ठीक है, एक कण मौजूद होता है, इसीलिए बच्चे हम इसको लेंगे 1+1, और हमारा जो प्रभावी जो है कणों की संख्या बच्चे 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहां पे फलक की बात करूं, यहां पे क्या है एफसीसी की बात करूं, फलक केंद्रीय घड़ी सेल की बात करूंगा, तो वहां पे बच्चा क्या होगा, 6 जो है फलक पे मौजूद होते हैं, और एक फलक जो होता है 2 जो है
यूनिट सेल से मर्ज होता है, मतलब मर्ज होने का मतलब कॉन्टेक्ट में आता है, तो मैं वहां पे 1/2 कर दिया, क्या कर दिया 1/2 कर दिया, 6 into 1/2 क्यों हुआ पता चला। अब देखो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो बेटा मेरे को लास्ट में क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 मिलेगा, क्या कणों की संख्या, प्रभावी कणों की संख्या। अगर इसकी समन्वय संख्या की बात करूं तो 12 मिलेगा, सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं है सारे बच्चों को, ये कंसेप्ट एकदम गजब तरीके से आप लोग को समझ आया होगा। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक आपको एक कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, आपको सीखने में मजा आएगा, जिससे आप लोग जो है रिक्तियों के बारे में समझ पाओगे, वर्ड्स के बारे में समझ पाओगे। जो आप लोग को लगता है ना कि अष्टफल की रिक्तियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चतुष्फल की रिक्तियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या सर, तो मैं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, लेकिन रिक्तियों के समझने से पहले हमको यह समझना होगा कि रिक्तियां आई कहां से, ठीक है, उस रिक्तियों के बारे में अपन समझेंगे, ध्यान समझना। देखो बच्चे, ठीक है, रिक्तियों की अगर मैं बात करूं तो रिक्तियां अपन कहां से समझेंगे, ठीक है, संकुलन क्षमता, सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा संकुलन क्षमता, यही से जो रिक्तियां उत्पन्न होगी बच्चे। और संकुलन क्षमता कुछ नहीं होता बच्चे, जब आप क्या करोगे, एक घन की बात करोगे, ठीक है, एक घन की बात करो तो उस घन में कितने नंबर ऑफ, कितने एरिया को, कितने एरिया को परमाणु अणुओं के द्वारा जो है घेरा जा सकता है, अवयवी कणों के द्वारा जो घेरा जाता है, उसी को हम जो है संकुलन क्षमता बोलेंगे। सिंपल बात है, जब आप घूमने जाते हो तो आप क्या करते हो, बैग पैक करते हो, उस बैग के अंदर जितना नंबर ऑफ कपड़े डाल सकते हो आप, उस बैग को कितना जो है एरिया, जो अवयवी कण है आपके बैग, जो कपड़े हैं वो घेर पा रहा होगा, उसी को बोलेंगे बेटा उसकी घेरने की क्षमता, उसकी पैकिंग करने की क्षमता, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी, उसी को ही बोलेंगे ना। तो उसी प्रकार से बच्चे यहाँ पे ठोस जो होगा सेम उसी प्रकार से यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर रहे होंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ बच्चे, आपको समझ आएगा, ध्यान समझना। अगर आप टेस्ट दिए हो, उस टेस्ट के अंदर आपका एग्जाम जो है 100 नंबर का है, उसमें 70 ला लिया हो, अगर आपको परसेंटेज निकालने बोले कितना परसेंटेज आप लाए हुआ, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 70% लाए हो गए सर, सारे बच्चों को समझ आया, 70% होगा। अब 70% तो होगा, उसी को बोलेंगे बेटा पैकिंग एफिशिएंसी, हम ठोस की मामले में, ठोस के मामले में उसी को पैकिंग एफिशिएंसी बोल देंगे, क्लियर। अगर इसको डेफिनेशन लिखना तो किसी भी इकाई सेल के कुल आयतन का वह प्रतिशत भाग जो परमाणु अणु आयनों के द्वारा जो है घेरा जाता है, उसी को बोलेंगे बेटा पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता, या फिर संकुलन गुणांक भी जिसे बोलते हैं, ठीक है, संकुलन गुणांक, पैकिंग फैक्टर, क्लियर है सारे बच्चों को। अब देखो ये तो हुआ किसके लिए, एकक कोशिका यूनिट सेल के लिए, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, एक जो है यूनिट सेल के कणों का जितना आयतन होगा, ठीक है, कणों का जितना आयतन होगा वही क्या होगा, एकक केल का आयतन के जो है डिवाइड में होगा। सिंपल बात है बच्चे, अब जब क्या करते हो एग्जाम में 70% लाते हो, 70% लाते हो तो उससे किससे डिवाइड करते हो, 100 से, और क्या करते हो 100 यहां पे जो गुणा कर देते हो, सिंपल। इसी प्रकार से इमेजिन करो कि भैया ये इतना परसेंट जो है घेरा है आपने, ठीक है, इतना परसेंट है आयतन, तो क्या होगा, एक एक कोशिका के जो है एग्जाम्पल में हम कैसे सेट करेंगे इसको, जो कणों का आयतन है ये इतना परसेंट उन्होंने घेरा है, ऊपर में जो दिख रहा है आपका आंसर में जो दिख रहा होगा, इतना परसेंट उन्होंने जो है कणों जो है इसको घेर के रखे हैं, आयतन को घेर के रखे हैं, ठीक है, और जितना टोटल जो आयतन है बेटा वो क्या होगा, घन का जो आयतन होने वाला है उसको अपन लोग 100 से गुना कर देंगे। इस प्रकार से अपन परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी बात करेंगे, इसको क्या बोलेंगे बेटा, परसेंटेज ऑफ किसका, पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन गुणांक, ठीक है, संकुलन गुणांक का प्रतिशतता। सारे बच्चों को क्लियर है, मजा आया, गजब तरीके से मजा आया। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूं, कैलकुलेशन करके बताता हूं किसके लिए बच्चे, एससीसी स्ट्रक्चर के लिए कैलकुलेशन अगर मैं कर दूं तो सारे बच्चों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देखो एकक कोशिका में प्रभावी कण, सॉरी कणों का आयतन जो होगा, इसको मैं लिख सकता हूं, हाँ, प्रभावी कणों की संख्या की मैं बात करूं, प्रभावी कणों की अगर मैं संख्या की बात करूं बच्चे, और एक कण का आयतन की मैं बात करूं, क्या करूं, एक कण का आयतन, क्या बोलूंगा बच्चे, एक कण का आयतन, और इसी को ना ओवरऑल में जो बेटा एक क्यू कर देता हूं, क्या कर दूं, एक क्यू, और इसको 100 से भी गुना कर देते हैं, चलो ये देखो सिंपल सारे बच्चों को, ठीक है। अभी एक क्यू की है क्योंकि इसका आयतन है, और मैंने पहले ही स्लाइड के अंदर ठीक है, यहां पे कहां पे हाँ, पहले ही स्लाइड के अंदर ए का वैल्यू मैंने बताया हुआ है, इसकी लेंथ जीओ ए है, ठीक है, तो इसलिए मैंने सारी चीजें यहां पे क्लियर कर चुकी थी। अब देखो हम यहां पे कैलकुलेशन करते हैं जो ए क्यू क्यू है, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हुए बात करेंगे, ध्यान समझना, जो प्रभावी कणों की संख्या मैं एससीसी के लिए निकाल रहा हूं, तो प्रभावी कणों की संख्या एससीसी के लिए कितनी होती है सर, वो तो एक होती है, ठीक है, कितनी होती है, एक होती है। और एक कण का जो आयतन होता है अगर मैं बात करूं तो हमारा जो एक कण है वो एक गोले की तरह है, किसकी तरह, एक गोले की तरह, अपन बात किए थे वहां पे, ठीक है, एक घन बना था वहां पे, बात किए गोले की तरह। अब गोले की तरह जब है वो, तो मैं बोल सकता हूं मेरा गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होगा, क्या होगा, क्यू होगा। और मेरे को पता है सर, मेरे को ए का वैल्यू तो पता है 2r होता है, क्या होता है 2r, मैंने बताया हुआ अभी अभी, ठीक है, तो 2r जब होगा तो क्या, इसको मैं कैलकुलेट कर लूं, 1 इज 1 इनटू 4/3 पाई आर क्यू
अपॉन हियर है, यहाँ पे ए 3 लिखना भूल गया, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 2R हो जाएगा, तो मैं इसको लिख दूं 8, सॉरी इसको हम एकदम वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसको 2R, इसको क्या कर दूं मैं 3, क्या होगा 2R 3, सारे बच्चों को क्लियर है, समझ आया, ये कैलकुलेशन सारे बच्चों को क्लियर हुआ होगा। अब देखो इसको मैं थोड़े से कैलकुलेट कर दूं फटाफट, तो 4/3 पाई आर क्यू, इसको जब सॉल्व करूंगा तो बेटा मेरे को 8 आर क्यू मिलेगा, और आर क्यू कैंसल, ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा बेटा 4/3 पाई मिलेगा, और यहां से मेरे को 8 जो है मेरे को मिलने वाला है। अब इसको मैं जब सॉल्व करूंगा बच्चे, तो मेरे को 4/3 × 3.14 जो पाई का वैल्यू होता है, और 8 का मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो मेरे को ओवरऑल क्या मिलेगा बेटा 52.4%, क्या होगा 52.4% मिलेगा, किसके लिए, पैकिंग इफिशियंसी की मैं बात करूंगा, परसेंट पैकिंग इफिशियंसी, ये भी किसके लिए बच्चे, एससीसी के लिए अपन बात करेंगे, किसके लिए, सिंपल क्यूबिक से एससीसी के लिए निकाल रहे थे, तो एससीसी के लिए इतने जो है होने वाले हैं, सारे बच्चों को क्लियर है, मजा आया, ठीक है। अब बीसीसी के लिए सेम जो है तरीकों से आप बीसीसी के लिए भी निकाल लोगे, एफसीसी के लिए भी निकाल लोगे, सारे बच्चों को क्लियर है। अब इसी को मैं बेटा डायरेक्ट आपको मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना, ये जो है कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहां पे बच्चे मैं बात करूं, ये इसका जो है 52.4% है, ठीक है, अगर यहां पे जो है 52.4% एससीसी के अंदर घेर रहा है, इतने अव्ययीकरण जो है एससीसी के अंदर 52.4% घेरा हुआ है, तो कितने परसेंट खाली होंगे, सिंपल बात है बच्चे कि अपन यहां से जो है 100% माइनस इतना कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा बच्चा 47.6%, ठीक है 47.6%, सारे बच्चों को कैलकुलेशन समझ आया, इतना जो खाली है, इतना जो एसएससी स्ट्रक्चर के अंदर इतना जो है क्या बेटा खाली है, रिक्ति है, इतना मेरे को क्या मिलेगा, रिक्ति मिला। इस तरीके से बच्चे हमको रिक्ति जो है कैसे मिली, इस तरीके से कैलकुलेशन करने पर संकुलन क्षमता से ही हमको रिक्तियां मिलती है, ठीक है, सारे बच्चों को क्लियर, मजा आया। अब देखो मैं डायरेक्ट बता देता हूं बच्चे की जो एसएससी के अंदर इतना 52.4% जो है पैकिंग एफिशिएंसी रहती है, और 47.6% जो है रिक्तियां मौजूद होती है, उसी प्रकार बीसीसी के अंदर बेटा 68% जो है पैकिंग एफिशिएंसी होती है, और जो 32% बच्चे आपके क्या होती है यहाँ पे रिक्तियां होती है। उसी प्रकार से बच्चे अगर मैं एफसीसी की बात करूं, तो एफसीसी के अंदर जो 74% पैकिंग एफिशिएंसी होती है, और 26% बच्चे आपके अंदर क्या होती है रिक्तियां होती है, एक जो है एफसीसी स्ट्रक्चर के अंदर। इसी प्रकार हमको पूरा ओवरऑल रिक्ति का फंडा यहाँ पे मिल गया कि रिक्ति कैसे जनरेट होती है, जो खाली जगह है, ठीक है, खाली जगह है वो कैसे जनरेट हो रहा है किसी घन के अंदर, सारे बच्चों को क्लियर होगा। तो इस प्रकार से बच्चे हम लास्ट वाले जो है लेक्चर में सारे कुछ जो कर चुके थे, आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहां पे सीखे। अब आने वाले लेक्चर के अंदर बेटा हम लोग रिक्तियां वॉइड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वॉइड कितने प्रकार के होते हैं, रिक्तियां कितने प्रकार के, जैसे कि आप लोगों को पता भी है, ठीक है, तो उसमें हम जो है डिस्कशन करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट जो है लेक्चर होने वाला है आने वाले लेक्चर। लेकिन बच्चे उसको जो आप लोगों को क्या करना है बेटा, इसके लिए आप लोगों को ये जो लेक्चर है अपने दोस्तों तक फैलाना है, ठीक है, आपको सपोर्ट करना है, आप लोग बेटा इसको जो शेयर कीजिएगा बेटा, नीचे में जिस टॉपिक के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही होगी उसको लिए आप बेटा मेंशन कीजिए कि किसमें दिक्कत आ रही है, सर केमिस्ट्री के अंदर किसमें प्रॉब्लम आ रहा है, आप बेटा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये भी बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसे लगा, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए रहेगी आपको, ये सारी चीज आप लोग डिस्कस कर सकते हो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बेटा। तो अभी के लिए बच्चे हम यहाँ पे जो अपना लेक्चर खत्म करते हैं, धन्यवाद।